सिलेबस आया है एग्जाम का जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है नया सिलेबस, उस सिलेबस के रिकॉर्डिंग मैं सभी लोगों के बच्चों को बताने जा रहा हूँ जो उनके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम टर्म्स को सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक अच्छे से यह नहीं कर सकते, स्टडी सही से नहीं हो सकता, हमारा पैटर्न सही से नहीं बन सकता। इसलिए मैं फिजिक्स टीचर क्या आपके इस फिजिक्स सब्जेक्ट का पूरी जानकारी दे रहा हूं, आप इसको एकदम समझ लेंगे और अच्छे से, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और पूरी जानकारी को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इस एग्जाम के लिए जो टर्म वाइज एग्जाम हमारा होने जा रहा है, इस एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें मैं करने जा रहा हूँ, इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। कोविड की वजह से जो सीबीएसई ने एक नया टर्मोलॉजी लागू किया है जो टर्म वाइज एग्जाम लेने का, ये एक समझ लीजिए बहुत ही बेहतर एग्जामिनेशन सिस्टम है, जिससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले आपको पूरी किताब का बोझ नहीं रहेगा, ये टेंशन नहीं रहेगा कि एक पेपर खराब हो गया तो हमारा दूसरा पेपर उसमें नंबर मार कम आ जाएगा सब्जेक्ट में, ये सब टेंशन नहीं रहेगा। अब आपके पास बेहतर मौका होगा कि एक एग्जाम को देने के बाद दूसरे एग्जाम को आसानी से, अगर एक पेपर खराब हो तो दूसरे एग्जाम में आप पेपर को अच्छे से बना सकते हैं और अच्छा नंबर्स गेन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर्स को गेन कर सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग में रिगार्डिंग आपको मैं बात करने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से केयरफुली सुनिएगा। फिजिक्स जो है जिसका हमारा कोड क्या है भाई, 0.42, ठीक है, 0.42 हमारा कोड होता है, ठीक है। क्लास 12 का सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, क्लास 12 के सिलेबस में आपकी एनसीईआरटी के दो बुक्स हैं, तो इन्होंने केमिस्ट्री की तरह नहीं बल्कि बहुत आसान तरीके से फिजिक्स के दो पार्ट्स को दो टर्म मिला दिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं फिजिक्स की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की बात करूंगा, ठीक है। टर्म फर्स्ट में जो है बेटा हमारा टर्म फर्स्ट में क्या चीज होगा, टर्म सेकंड में क्या चीज होगा, इस बात के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। टर्म सेकंड का एग्जाम कैसे होगा, टर्म फर्स्ट का एग्जाम कैसे होगा, इसकी भी बात करेंगे। तो ध्यान से समझो बेटा कि ये न्यू एजुकेशन सिस्टम में आपका जो टर्म वाइज है इसमें एनसीईआरटी को दो टर्म दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट टर्म में जो फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट है, ये चीज फिजिक्स एनसीईआरटी का जो पार्ट फर्स्ट है ये पढ़ना है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट। और इसमें क्या पढ़ना है आपको, फिजिक्स पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट सेकंड पढ़ना है, ये बात को आप ध्यान में रखो, ठीक है। एक पार्ट फर्स्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा, पार्ट सेकंड हो गया, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये एनसीईआरटी की किताब होती है। अब आपको पार्ट फर्स्ट में कैसे आएंगे, टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स जो है वो आएगा आपका 35। टोटल मार्क्स कितने आने वाला है भाई, यहाँ पे 35, यहाँ पे भी टोटल मार्क्स 35 आया। अब ये 35 मार्क्स को कैसे डिवीजन किया है इन्होंने, इस बात को भी ध्यान कीजिएगा। जो यूनिट हमारा यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है बेटा, क्या क्या चीज, एक चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसमें उन्होंने दो चैप्टर ये रखा है। उसके बाद जो चैप्टर थर्ड है यूनिट सेकंड में, चैप्टर थर्ड हमारा क्या चीज है भाई, ये भी बात को ध्यान सकते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा वो चैप्टर सेकंड में है वो, तो अब देखो ये क्या, उसके बाद चैप्टर यूनिट थर्ड में दो चैप्टर इन्होंने कंसीडर किया है, क्या क्या चीज भाई। एक पहला जो चैप्टर कंसीडर किया है वो चैप्टर हमारा कौन सा है भाई, मूविंग चार्ज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, और दूसरा जो है
मैग्नेटिज्म को कंसीडर किया है और यूनिट 4, यूनिट 4 में दो चैप्टर आपके पास हैं, वो क्या क्या चीज है बेटा कि एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और दूसरा जो है एसी का है। चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 7 जो है वो एसी का है। अब इस पूरे को इन्होंने पहला फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स जो है 17 मार्क्स का होगा और जो यूनिट आपका यूनिट सेकंड है वो 18 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा 35 हो जाएंगे। वैसे ही इन्होंने सेकंड टर्म में क्या किया है, सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन, सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन इन्होंने क्या किया भाई कि यूनिट 5 ठीक है, यूनिट 6 को एक टर्म में रखा। तो क्या क्या चीज है भाई यूनिट इसमें आप बोलिए, यूनिट 5 में जो हमारा क्या चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है वो सेकंड यूनिट में है, मतलब सेकंड टर्म में है। उसके बाद जो है हमारा रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ये दोनों टॉपिक्स, और ये पूरा मिलकर कितना आपको मिलने वाला है 17 मार्क्स मिलने वाला है। फिर उसके बाद चैप्टर जो आपका यूनिट 7 है, यूनिट 7 में चैप्टर 1 है, कौन सा चैप्टर है बेटा ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, कौन सा है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद आपने क्या रखा है भाई कि चैप्टर को जो यूनिट 8 है, यूनिट 8 में दो चैप्टर हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई को इसके साथ रखा है और इन दोनों चैप्टर्स को 11 मार्क्स पे पार्टिसिपेट किया है। एंड लास्ट यूनिट जो है हमारा 9 यूनिट जो है वो चैप्टर 14, चैप्टर 14 में क्या है सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स है जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो चैप्टर आपका कौन सा है 4 है। और ये अकेला सिर्फ एक चैप्टर ही कितने मार्क्स का है 7 मार्क्स का। अब एग्जाम कैसे होगा बेटा, तो एग्जाम को बात करते हैं, तो एग्जाम आपको मिलने वाला है कैसा भी एग्जाम आपको देखिए, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट टर्म का एग्जाम क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल सा समझो कि एमसीक्यू होगा। क्या होगा भाई एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू का मतलब ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन के चार चार आपको क्या रहेगा चार चार आपके पास ऑप्शन रहेगा ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये होगा ठीक है। तो उसमें चार ऑप्शन होगा और चार ऑप्शन को और उसमें से कोई एक ऑप्शन क्या करेगा सही। अब आपको करना कैसे है ओएमआर शीट पे, ओएमआर शीट पे क्या करना है ये पूरा आंसर देना है। आपके पास ओएमआर शीट होगी जो पेपर सीबीएसई कंडक्ट करेगा, पेपर सीबीएसई बनाएगा, वो पेपर आपके स्कूल में होगा, लेकिन वो पेपर स्कूल में होने के साथ साथ उसमें स्कूल में क्या होंगे सीबीएसई द्वारा ऑर्गेनाइज एग्जामिनर आएंगे, वो ऑर्गेनाइज एग्जामिनर क्या करेंगे कि संरक्षण में देख रेख में आपका बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा जो नवंबर से दिसंबर मतलब बोल सकते हैं कि एट वीक में होने वाला एग्जाम है। कितने टाइम में लगेगा भाई, तो फर्स्ट टर्म का जो टाइम होगा बेटा वो 19 मिनट होगा, कितना 19 मिनट मतलब 1.5 आवर, 1.5 आवर इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन होंगे बेटा 35, कितने क्वेश्चन होंगे 35 क्वेश्चन होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 2 नेगेटिव मार्क्स के ईच क्वेश्चन, कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने मिल रहे हैं यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितना मिलने वाला है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेगा 35, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा, सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा बेटा वो कितने का होगा, ये भी आपका टोटल 30 मार्क्स का होगा ठीक है। अब इसमें क्या होंगे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों रहेगा, मतलब ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा रिटेन, ये क्या होगा आपका रिटेन एग्जाम होगा ठीक है, ये रिटेन एग्जाम होने वाला है, ये रिटेन एग्जाम होगा, लेकिन ये क्या होगा एमसीक्यू होगा।
अब रिटेन एग्जाम होगा तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इधर भी हमें ऑब्जेक्टिव करना है, ऑब्जेक्टिव करने का मतलब है पूरा का पूरा फार्मूला आपको लाना होना चाहिए एकदम अच्छे से। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा बेटा, हम तब तक बोल सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन को करना और कठिन हो जाता है, क्योंकि लिखने वाले में क्वेश्चन में हम कुछ लिख देते हैं उसमें नंबर मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, यानी आपको सही सही करना होगा। आप जब सही करेंगे तो आपको पूरा नंबर क्या होगा मिलेगा। फिर उसके बाद बेटा ये तो हो गया 35 नंबर का आपका, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 35 नंबर का थ्योरेटिकल हो गया। अच्छा कोई ये कब होगा बेटा, तो ये होगा आपका मार्च एंड अप्रैल में, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल में एग्जाम, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल में, यानी ये भी 8 वीक में होगा आपका एग्जाम, मार्च अप्रैल में होगा और 5 सेंटर पे होगा, जो आप इस सेंटर जाएगा बोर्ड का वहां पे आपको ये एग्जाम देना होगा। इन केस अगर कोविड की प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हुई, कोविड की प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हुई तो आपका एग्जाम फर्स्ट टर्म की तरह एमसीक्यू एग्जाम लिया जाएगा। ये बात देखो सिचुएशन को ध्यान सुन लेना, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर इन केस अगर फिर से कोविड की समस्या रही तब ये एग्जाम कैसा कराया जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, अदरवाइज यहां पे जो एग्जाम होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप का एग्जाम होगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, और टाइम जो मिलेगा इसमें बेटा टाइम जो मिलेगा 2 आवर का, अगर कोविड की समस्या रही तो ये 90 मिनट्स ही मिलेंगे आपके पास, और उस समय आपको मिलेगा एमसीक्यू, क्या मिलेगा एमसीक्यू मिलेगा उस समय, एमसीक्यू मिलेगा, लेकिन अगर कोविड की प्रॉब्लम नहीं तो लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम क्वेश्चन रहेगा, रिटन रहेगा, और कितने आवर्स का रहेगा 2 आवर्स का रहेगा, 35 मिनट 35 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, रिटन रहेंगे साथ में। अब आपकी बात कर लेते हैं लोग प्रैक्टिकल एग्जाम सर कैसे होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उसने क्या किया भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उसने बात किया है कि दो प्रैक्टिकल्स आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दो प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, वो कितने मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स का ईच टर्म, उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड प्रैक्टिकल उसका जो एक्टिविटी है वाइवा, तो वाइवा आपका 5 नंबर का है बेटा, एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है 2 नंबर का है, और जो प्रैक्टिकल आप जो परफॉर्म करेंगे एग्जामिनर के सामने इन द 1 आवर, 1 आवर के अंदर आप जो एग्जाम परफॉर्म करेंगे वो कितने नंबर का है, 1 मार्क्स का है, यानी टोटल प्रैक्टिकल आपका ईच टर्म में कितना हो गया बेटा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका होगा, ठीक है, वैसे ही सेम पैटर्न यहाँ पे रहेगा 15 मार्क्स का, यहाँ पे भी क्या रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम कितने टर्म का रहेगा आपका 15 मार्क्स का, ये बात को आप ध्यान रखना है। और ईच टर्म का ये प्रैक्टिकल भी आपका क्या होगा स्कूल पे होगा, एग्जामिनर्स आएंगे जैसे पीछे आते रहे हैं, एग्जामिनर्स आएंगे वो आपकी सारी चीजों को, तो आपको जिस टाइम प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसी टाइम में प्रैक्टिकल फाइल यानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहेगा, एक्टिविटी फाइल रहेगी, वाइवा रहेगा, वाइवा होगा 12, वो सारी चीजें स्टूडेंट को उसी टाइम पे क्या करनी है मेंशन करनी है, यानी सभी सभी को उसी टाइम पे सारी चीजों को दिखाना है एग्जामिनर को, तभी आप कर पाएंगे। और जब इसमें आपको बेटा क्या होगा यहाँ पे आपका बोझ कम हो गया है, थोड़ा कम टाइम के लिए आसानी से आप पढ़कर पूरी तरह से एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं, और आप रिटेन एग्जाम करके नंबर रिटेन कर सकते हैं, एक पेपर खराब हुआ तो दूसरे पेपर में, अब टोटल मार्किंग जो होगी बेटा अब वो 100 में होगी, तो टोटल मार्किंग 100 में होगी तो उस समय केस क्या रहेगा कि 100 में होगी तो आपने इसमें पाया नंबर इसमें पाया, ये दोनों रिजल्ट्स को लास्ट में मर्ज करके आपका फाइनल रिजल्ट बना दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, इसका रिकॉर्ड सीधे सी पास रहेगा, ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा, दोनों रिकॉर्ड को मिलाकर क्या करेगा सीएससी एक आपका फाइनल रिजल्ट बता देगा, और जो रिजल्ट आप आएंगे वही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए बेटा अब टाइम कम है, और किसी भी हालत में सीएससी का गाइडलाइंस है कि किसी भी हालत में इस बार पर मुझे क्या करना है एग्जाम कराना ही कराना है। ये बात को आप एकदम ध्यान से समझ लो कि सीएससी का एग्जाम इस बार होगा, ये नहीं है, ये दिमाग में मत रखिएगा कि एग्जाम नहीं होगा, इसीलिए ये सब सारी टर्मिनोलॉजी क्या की गई है बनाई गई है, इसलिए आप स्कूल
कोचिंग वगैरह जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, जिस तरह भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपको, आसान पेपर रहेगा, पेपर आसान रहेगा, छोटे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए मान के चलो कि कम से कम हर एक चैप्टर में बेटा आपको 100 एमसीक्यू बना के चलना है। कितना? 100 एमसीक्यू जब बना के चलेंगे, तब आप जब 100 एमसीक्यू रखेंगे तो टोटल आपके पास कितने चैप्टर बेटा? 7 चैप्टर्स हैं। और एक चैप्टर में 100 एमसीक्यू जब बनाएंगे तो 700 ऑब्जेक्टिव हो गया। 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके। जो भी जानकारी हमने दिया है उसमें जो भी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।